तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्रदेश के ब्लॉक से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक तबादलों की मांग के लिए धरने प्रदर्शन, यहां तक कि जून माह में मेरे द्वारा शिक्षा संकुल पर आमरण भी किया गया। सरकार का हर वो दरवाजा, हर वो चौखट खटखटाई गई कि सरकार तबादलों की मांग कर रहे शिक्षक और उनके परिजनों की बात को सुने, लेकिन राज्य सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय इस मामले को गंभीर नहीं ले रहे, जिससे सरकार के प्रति अध्यापकों में स्थानांतरण की चाहत रखने वालों में बड़ी ही नाराजगी है और आक्रोश है। आक्रोश का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 12 जिले में जिस प्रकार से राजनेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार के अंदर जिन होर्डिंगों का सहारा लिया जाता है, आज अध्यापक स्वयं प्रेरणा से होर्डिंग्स लगा रहे हैं और इसमें लिखा है तबादला नहीं तो वोट नहीं। ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए चिंता की एक तरह से सूचना है, चिंता की घंटी है, जिसको अब सुनना ही पड़ेगा। और इसी मांग को लेकर सोमवार 7 अगस्त को प्रदेश की राजधानी जयपुर में शिक्षक फिर से धरना प्रदर्शन के लिए शहीद स्मारक पर जुटेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से हाथ जोड़कर प्रदेश के लाखों की संख्या में तबादलों की आस और उम्मीद लगाए बैठे शिक्षक और उनकी परिजनों की ओर से इस तबादला रूपी इस कांटे को निकाल ही दीजिए, अन्यथा चुनाव नजदीक है, ये अध्यापक वोट की चोट देने में देर नहीं लगाएंगे। हरपाल दादरवाल, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, एकीकर शिक्षक महासंघ।